I wish I'd looked after me teeth by Pam Ayres. इस कविता में पछतावे की भावना दर्शाई गई है। इसमें एक बच्चा है जो कि दांतों के डॉक्टर के क्लिनिक में दांत चेक करवाते हुए सोच रहा है कि काश मैंने अपने दांतों की देखभाल सही ढंग से की होती तो आज ये नौबत ना आती, ना मैं डेंटिस्ट के यहाँ आता, ना इस चेयर में बैठता और ना ही इतना दर्द सहन करना पड़ता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि दांत में कैविटीज हो जाए तो पहले डॉक्टर को ड्रिल करके उस कालेपन को हटाना पड़ता है और ड्रिलिंग में ही सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता है। उसे अब इस कुर्सी पे बैठे हुए याद आता है कि उसने कितनी सारी टॉफीज खाई, कितनी सारी चिपचिपी मीठी स्वीट्स खाई, लॉलीज खाई, लिकरिस खाई और इसी कारण उसने अपने सारे दांत खराब कर लिए। अब हालत क्या है? मुंह में दांत में फिलिंग्स ज्यादा हैं और साबुत दांत कम नजर आते हैं। अब बच्चा पछता रहा है कि क्यों उसने उस एक शिलिंग से गॉबस्टॉपर्स खरीदे और खाए और अपने पीछे के दांत नष्ट कर लिए। वो सोच रहा है कि काश उस शिलिंग से वो कुछ और ही अच्छी चीज खरीदता तो उसके दांत कम से कम खराब न होते। वह कहता है कि यदि मैं लिकरिस न खाता, अपने दांत अच्छी तरह मांजता, साफ करता, ब्रश ढंग से करता, विधिवत करता तो आज मेरे दांत खराब न होते। वह ये जानता है कि अब जितने भी टॉफीज खाई हैं और उसके कारण जो उसमें कैविटीज हो गई हैं, अब फिलिंग करी जाएगी और उस फिलिंग को दर्द को सहन करना पड़ेगा। अब वह याद करता है कि उसका सुबह शाम ब्रश करना भी व्यर्थ गया क्योंकि अब उसके दांत इतने खराब हो चुके हैं कि वो दांतों से चबा भी नहीं पाता। और वो याद करता है कि यदि उसने ढंग से ब्रश किया होता, रेगुलर चेकअप करवा लिया होता तो आज उसके दांत बिल्कुल सही सलामत होते। उसे एक बात और याद आती है वहां बैठे हुए कि कैसे वो अपनी माँ के नकली दांतों के डेंचर्स पर हंसा करता था और वही डेंचर्स, वही नकली दांत अब उसे इशारा कर रहे हैं, इशारा करके यही बता रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी है इन नकली दांतों से खाना खाने की। और यही नकली दांतों की वजह से जो ये सब उसके मन और दिमाग में चल रहा है उसे वो बहुत घबरा गया है और अब प्रण करता है कि वो अच्छी तरह ब्रश करेगा और कभी टॉफीज या लॉलीज का लालच नहीं करेगा।